हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम कुछ काम से आए थे चंडीगढ़, और हमारा काम जो है 4 बजे तक होने वाला था। तो आज हम घूमने वाले हैं चंडीगढ़। ये है सुखना लेक, जहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस बोटिंग है, शाम का नज़ारा है। तो पहले हम चलते हैं रॉक गार्डन। मैं आपको रॉक गार्डन दिखा देता हूँ। आज ये एंट्री हो गई हमारी रॉक गार्डन की। यहाँ पर आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर मिलेंगे। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है जी रॉक गार्डन में। 30 रुपीज़ पर एडल्ट की टिकट है। और आप देख लो, यहाँ पे पूरे पत्थर ही पत्थर दिखेंगे। पत्थर से बनी हुई सारी कलाकृतियाँ आपको दिखेंगी, स्टैचूज दिखेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, स्टोन से डिज़ाइन किए हुए। यहाँ पे एक वॉल भी इन्होंने बनाई हुई है, जिसको लाइक कट्टों से, लाइक सीमेंट के जो बोरे होते हैं ना, मतलब वो बोरों से उसको पूरा वॉल इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखो, मतलब पूरा भरा पड़ा है, पूरा स्टैचूज से आपको ये देखने को मिल जाएगा। और बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन से इन्होंने स्टोन से बनाई हुई हैं। कुछ नहीं होता, पत्थर तो ये काफ़ी बड़ा है। लाइक आपके पैर दुखने वाले हैं यार, गर्मी में आ रहे हो ना, तो मतलब बहुत मुश्किल रहने वाला है थोड़ा सा। तो पानी वानी साथ लेके आना भाई, ये मटके रखे हुए हैं भाई यहाँ पे टूने करने के लिए। तो आगे चलते हैं, देखो और आधे लोग तो आधे रास्ते से ही वापस हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या रास्ता है, कैसे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, आगे तक जाता है। जहाँ पे बीच में एक डिवीज़न आता है, जहाँ पे एग्ज़िट का गेट भी आता है और एक दूसरे पाथ की तरफ वो जाता है गेट। तो आधे लोग एग्ज़िट ले लेते हैं पास से ही। सो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और ये अभी फिर से एक और हट आ गया है, और हट में जो है कुछ स्टैचूज बनाए हुए हैं इस हट से में। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। लाइक ये ऐसा लगता है जैसे कोई ओल्ड फोर्ट होता है ना, बिल्कुल फोर्ट टाइप का लग रहा था, मतलब बिल्कुल ऐसा, बट ये पूरा बनाया हुआ है। और ये देखो, ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है यार। मतलब ये देखो आप, साइड में पूरी वॉल्स और पतली सी जगह है, यहाँ से निकलते हैं और सामने एक फाउंटेन आ जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। तो भाई नज़ारा पूरा गजब है भाई। पीछे फाउंटेन चल रहा है और ये पहाड़ के ऊपर प्राचीन गुफाओं में घुस चुके हैं हम। ये लो, ये निकल गया है भाई, बड़ा सेक्सीस्ट वीप यहाँ का, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लागे ना पीछा तू इधर कछे से होयो ना मारे चौकड़ा मार के उन्होंने भी मीट गूगल होने अपन बाहर बोलने आया वगैरह लाने ना वहां भी जाने चो ओते मकलोड़ गंज ही ताई बैठ ले जाके चार ने चले ये ना है यार ये है अरे बस एक्सरसाइज करनी होगी हर शाम को मना देते ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਜੇ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਹੋ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਪੱਥਰ ਭਰਨੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਰੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਏ डू नॉट क्लाइंब ऑन द वॉल्स दीवारों पर ना चढ़े इधर लिखा है कि जाना पत्थर पे क्या लिख रहे हैं ऊपर चढ़ के गए संजू का नंबर लिख देंगे कॉल मी संजू का नंबर लिख देना आगे जी बंदर संजू का नंबर पे केस हो जाना यार लगता है बड़ा ओल्ड रहा है जिदा फोर टाइप आहो और क्या खत्म नहीं आपा मिस किया कुछ मिस करता था आपा मिस करता है मेरे ख्याल ही जहां थे उधर रास्ता इन्होंने बंद करता होना क्योंकि एक रह गया हजे दा ये लंबा सी बहुत इतना छोटा कोई ओथे है देखो ओथे है ये पहले आए हुए हैं ये तो वही है सामने से आना जरा फिर आ गया नहीं मेरे ख्याल उत्ते शायद होना कोई क्योंकि एक और रास्ता आया है इसमें वो बंद कर दिया होगा माइंड चल रहा है गलत हो गया उधर नहीं गए उधर जाना घूम के हां पापा आए उधर नहीं गए नहीं 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 आपा इधर आए थे
नहीं आप इधरों आए थे उतो ही आए आगे हो इतो आए आप और है ना उत्थे जाने का रास्ता ही इतो है रास्ता कि होना है यार इतने वधिया इतने लाओ बिस्तर उतने लाओ बिस्तर ये तो एग्जिट तो नहीं है नहीं हाँ ये रास्ता है ये आ गया ये चीज करा था छोटी मटकियां नहीं वो नहीं है अंदर बंदे बैठे इधर इधर कोई मतलब होना इदा तो नहीं कुछ चक्कर जेल जे बनाई हुई बिच बंदे बैठे हैं पानी भी नहीं स्विमिंग पूल च गोता ही ला लिया ओदा ही टाइम खरण ये वधिया एक्सरसाइज दिया उतो है थले हेलो जी मंकी पाजी एग्जिट डॉल म्यूजियम फेज 3 घुमा के लग आया पूरा लगता तो फोर्ट जिदा ही है मोटर मोटर ही है मोटर है फ्लो तो देखो पानी का फुल फ्लो है इतना ही लाओ किस तरह
ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੌਸਮ ਬੜੀਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਰਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਠੰਡਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਪ ਲਓਗੇ ਇਸਕੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੁੱਢ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਭਾਈ, ਦਿਮਾਗ ਪਹਾੜ ਸਿਸਟਮ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸੂਤੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ, ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਇੱਕਦਮ ਸੈਕਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਝਰਨੇ ਕੀ ਛੀਂਟੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ। ਕੀ ਫੋਰਟ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਲਾ, ਆਹੋ ਏਦਾਂ ਤੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ। ਪੱਥਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਾਲੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਆ। ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਥਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਔਸਕਰ ਫਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗਲੋ ਫਿਸ਼, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡਨ ਫਿਸ਼, ਗੋਲਡ ਫਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਲੋ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੋਟਾ ਨਾਟਾ ਪਤਲਾ ਲੰਬਾ ਸਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਈ ਕੰਟੀਨ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੋਰਨਰ, ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो गाइस पिछली बार हमने काफी कुछ मिस कर दिया था, जो कि इस बार हमने देख लिया है। नजारा जबरदस्त है यार, रॉक गार्डन में अगर आप आए और ये जगह रह गई है ना, पहली बार ही देखा, आपने सब कुछ मिस कर दिया क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एसी और बाहर बहुत गर्मी थी, तो यहाँ के जो जन्नत वाला मतलब सुकून मिला है बिल्कुल। तो एक तो एसी लगा है ऊपर से, बहुत ही लाइक रिलीफ मिल रहा है यहाँ पे आके, लाइटिंग बहुत प्यारी है और ये स्टैचूज कितने प्यारे प्यारे बनाए हुए हैं एकदम देसी स्टाइल में, और ये दो म्यूजियम टाइप से बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, एक दूसरी साइड है और एक दूसरी साइड है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम देखा मैं रॉक गार्डन, अब पहले भी आए हुए हैं बट ये चीज़ नहीं थी।